भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में बेनीगंज स्थित महानगर कार्यालय तथा महानगर के सभी बूथ स्तर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस मनाया गया तथा उनके चित्र पर फूलों से पुष्पांजलि भी अर्पित किया गया, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले शिक्षाविद व प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर महानगर पार्टी कार्यालय पर जन्मदिवस मनाया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 का कड़ा विरोध किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद अंतरिम केंद्र सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया था, लेकिन सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसलों के विरोध में उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान बनाने के विरुद्ध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी आवाज उठाई थी। किसी राज्य के लिए अलग संविधान बनाने के पक्ष में नहीं थे। इन्होंने हमेशा ही उन चीजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई जो देश की भलाई के विरोध में लगती थी और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ही उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन किया था। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा का नारा देने और देश की एकता और अखंडता हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महामंत्री देवी श्रीवास्तव, अच्युतानंद शाही, ओम प्रकाश शर्मा, शिवम पांडे, पंकज जायसवाल, प्रिय पाठक, दिनेश जायसवाल, सुरेंद्र चौबे, श्वेता श्रीवास्तव, मीना श्रीवास्तव सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। डबल फाइव टू टू आज भारतीय जनता पार्टी हम के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिवस है। भारतीय जनता पार्टी आज उनके जन्मदिवस पर सभी जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर रही है और सभी बूथों पर वृक्षारोपण अभियान का भी कार्यक्रम चल रहा है। हमारा वृक्षारोपण के अभियान के कार्यक्रम का शुभारम्भ 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के दिन से प्रारंभ हुआ था और आज 6 जुलाई को उनके जन्मदिवस तक वृक्षारोपण अभियान चलना था। उसी निमित्त गोरखपुर महानगर में लगभग 931 बूथों पर 10,000 पौधे लगाने का भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य लिया था और हमको बहुत प्रसन्नता है कि वो लक्ष्य हम सभी ने पूरा किया। लगभग महानगर के अंदर 10,000 वृक्ष पौधारोपित किए गए और आज के दिन उनके जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते पर हम सभी चलने का प्रयास कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के वजह से ही कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुआ। दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा एक समय, ये नारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया था और परमिट सिस्टम का विरोध करते हुए कश्मीर के अंदर प्रवेश किया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार केंद्र में थी, जिसने अपने मित्र शेख अब्दुल्ला की सरकार से कहकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तार कराया था और उनकी निर्मम हत्या जम्मू कश्मीर की जेल में हुई थी।
और उसकी परिणति ये रही कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा हुआ और जवाहरलाल नेहरू को अपने उसमें वापस होना पड़ा और उन्होंने परमिट सिस्टम को समाप्त करना पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश के लिए आज़ाद हिंदुस्तान में यदि किसी नेता ने किसी पार्टी ने बलिदान दिया है तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया है कि हमारा देश एकजुट रहे, हमारा देश एकजुट रहे और पूरे देश के सभी नागरिकों को कहीं किसी भी राज्य में जाने पर कहीं कोई परमिट सिस्टम न लगे। इसके लिए हम सभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हमेशा याद करते हैं।